नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यमुनानगर से इस वक्त, जहां पर पिंकी नाम की महिला की देर रात हत्या करने का मामला सामने आया है। हमलावर ने कई गोलियां मारकर पिंकी नाम की इस महिला की हत्या की है। जानकारी के अनुसार हमलावर का इनके घर आना जाना था और देर रात पहले नोकझोंक हुई और फिर गोलियां दागकर हमलावर फरार हो गया। गोलियां चलाने वाले का नाम कमल कपूर बताया जा रहा है। रघुनाथपुरी की यह पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर जांच में पुलिस जुट गई है। तो यह बड़ी खबर यमुनानगर से, जहां पर एक पिंकी नाम की महिला की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि देर रात पिंकी नाम की इस हत्या की हत्या की गई और साथ ही रघुनाथपुरी की यह पूरी घटना बताई जा रही है। और साथ ही जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक हमलावर भी इनके घर पर आना जाना था हमलावर का, और साथ ही देर रात किसी बात को लेकर नोकझोंक हुई जिसके बाद में उसने गोलियां दागी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी परिचित ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है। हत्या कर आरोपी फिलहाल मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी को जल्द पकड़ने की बात भी कह रही है। आरोपी का नाम कमल कपूर बताया जा रहा है, जिसने पिंकी नाम की इस हत्या महिला की हत्या की है। तो रघुनाथपुरी की यह पूरी घटना है, जहां पिंकी नाम की महिला की हत्या की गई है और साथ ही यहां पर गोलियां मारकर गोली चलाकर महिला की हत्या की गई है। और आपको बता दें कि शुरुआती जानकारी जो मिल पा रही है उसके मुताबिक परिचित ये महिला का बताया जा रहा है हमलावर। ज्यादा जानकारी लेंगे पवन चारदा, हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पवन चारदा, क्या पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ बात हुई जिसके चलते बात इतनी बढ़ गई कि गोली मारकर हमलावर मौके से फरार हुआ? जी, ये जो महिला है इसके घर पर ये जिसने गोली चलाई है इनका इसके परिवार में आना जाना था और रात को किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ है, जिसको लेकर उसने गोली डाल दी। जी, चलिए बहुत शुक्रिया पवन चारदा तमाम जानकारी के लिए। तो नोकझोंक हुई किसी बात को लेकर, जिसके बाद हमलावर ने यहाँ गोली मारी महिला को और साथ ही उसके बाद में मौके से फरार हो गया। तो आपको बता दें कि आरोपी का नाम कमल कपूर बताया जा रहा है, जिसने पिंकी नाम की महिला की हत्या की है, गोली मारकर हत्या की गई है। रघुनाथपुरी की पूरी घटना है, उसके बाद में हमलावर मौके से फरार हो गया। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी की पकड़ की बात भी जल्द पुलिस की ओर से कही जा रही है। और शुरुआती जानकारी जो मिल पा रही है उसके मुताबिक किसी परिचित ने ही इस महिला की हत्या की है। परिचित का घर पर आना जाना था और उसके बाद में देर रात किसी बात को लेकर नोकझोंक हुई जिसके बाद में गोली चलाई गई यहाँ पर कमल कपूर नाम के इस युवक की ओर से, जिसके बाद में गोली मारकर महिला की हत्या की गई और उसके बाद कमल कपूर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।